पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत को नसीहत देते हुए कहा है कि भारत पहले जैसा सेकुलर मुल्क नहीं रहा। ये सुनने के बाद तो मेरी क्या 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 बोला और काफे टांग गई, ये सुनने के बाद तो इमरान खान से भी रहा नहीं गया, वो भी फूट पड़ा, बिलख पड़ा। असल सरदारी खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। बारिश आता है 15 साल के बाद चीनी उगता है। ज़राअत का मुल्क है जहाँ चीनी उगता है। पाकिस्तान में इन साहब को बेगम बिलावल भुट्टो साहिबा भी कहा जाता है, बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह। और इनके पास इतना ब्रह्म ज्ञान है, ये इन्होंने ऐसा ज्ञान का इजाद किया है, उसको सुनने के बाद में आप भी शोक हो जाएंगे। बारिश आता है पानी आता है, और बारिश आता है और पानी आता है। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। और इस पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ज्ञान देखो आप, इसको ये भी नहीं पता है कि आलू दर्जन के भाव से आते हैं कि किलो के भाव से आते हैं। आलू 200 रुपया दर्जन। बिलावल भुट्टो को देखने के बाद मेरे भी असर आ गया, केला 100 रुपए लीटर। और ये तो कुछ नहीं, अंडों का भाव भी सुन लेते हैं, अंडे 100 रुपया किलो। कौन है ये लोग? ये क्या कर रही है तुम? एक लीटर आलू ले रही हूँ। एक दर्जन पनीर दे दो। अरे नहीं, अरे नहीं। इस पाकिस्तानी पप्पू के स्टेटमेंट के बाद में पाकिस्तान के एक पत्रकार है, वो गए पब्लिक के बीच में और ये जानने की सही में कोशिश की कि भारत पहले की तरह सेकुलर है या नहीं है। अच्छा, तो इनको भी सुनते हैं। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैफ अली। क्या करते हैं? मैं लिखाई का काम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये स्टेटमेंट दी है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि जो इंडिया है ना वो अब चेंज हो चुका है, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी आ चुकी है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। आपको लगता है कि इंडिया में मुसलमानों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मुसलमानों के साथ इंडिया में होती जाती है। वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। कैसे ज्यादती होती है यार, देखो वो वहाँ पे रह रहे हैं, वो उनका मुल्क है, उनका कंट्री है, वो वहाँ पे आजाद नहीं रह रहे। वो अपना मुल्क समझते हैं, लेकिन जो वो हिंदू हैं जो है। वो उनको अपने साथ का नहीं समझते, उनको समझते हैं कि नहीं ये हमारे गुलाम बन के इधर रहें तो वो रहें, उनको आज़ादी नहीं दी जाती। ये पाकिस्तानी तो रहेंगे जाहिल, मुझे लगता है इन पाकिस्तानियों को पैदा होते ही सबसे पहले एक इंजेक्शन ठोक दिया जाता है और इनको ये बताया जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म करता है हिंदुस्तान। दूसरा टीका इनको लगाया जाता है कश्मीर का, और तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टीका इनको लगाया जाता है जहालत का। अब इन जाहिल पाकिस्तानी को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें अगर किसी मुल्क में है तो वो हिंदुस्तान में है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? चाइना में जहाँ सच में मुसलमानों पे जुल्म होता है, जिनकी मस्जिदें तोड़ के पेशाब घर बना दिए गए हैं, जिनको दाढ़ी नहीं रखने दी जाती, जिनको मोहम्मद का नाम रखने नहीं दिया जाता, उनको कुरान पढ़ने नहीं दी जाती है, वहाँ के बारे में ये कभी नहीं बोलेंगे भाई, कभी नहीं बोलेगा, कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता, क्योंकि वो भाई इमदाद मिलना बंद हो जाएगी, भीख मिलना बंद हो जाएगी। कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? बहुत ज्यादती हो रही है। उनके हकूक जो है, उनके बेसिक जो हकूक हैं कश्मीर में, इंडिया में जो बेसिक हकूक हैं उनको नहीं मिल रहे। अगर जिस इंसान को बेसिक हकूक ही ना मिले तो उस जिंदगी का क्या फायदा? पता इनको टिंडो का नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों में जुल्म होता है। सर हमें ये तो पता है कि कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लेकिन हमें इस बात से क्यों अनजान रखा गया, हमारी मीडिया, हमारे लोग हमें इस बात की क्यों नहीं आगाही देते कि चाइना में इस टाइम मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वो कुछ दिनों में से ये मुहिम चल रही है कि चाइनाज में पाकिस्तान के साथ मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती तो एक 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 हद होता है ना, एक तरीक़ेकार होता है ज्यादती की, तो इंडिया चाइना ने उस हद को भी पार कर दिया हुआ, इतनी ज्यादती है मुसलमानों के साथ। तुर्किस्तान एक इलाका है, यहाँ से पाकिस्तान और जो पाकिस्तान का शुमाली इलाका है गिलगित बल्तिस्तान के साथ ही लगता है वो इलाका, चाइना इस कदर जुल्म कर रहा है, इस कदर जुल्म सितम ढा रहा है कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है। मुसलमानों को आज़ादी नहीं है, मुसलमानों की औरतों के साथ इतनी ज्यादती, गैर मुस्लिम के साथ जबरदस्ती उसका निकाह, उसके शादी करवाने जो मुसलमान होता है उनको उस रियासत के अंदर फेंक दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि हमारा मीडिया क्यों नहीं आगाह कर रहा है इस बारे में हमें?
चाइना खिलाफ क्यों? हाँ, सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ एक है कि उधर से हमें जो इन्वेस्टमेंट आती है, अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाना उठा देंगे तो फिर हमारा मुल्क बिल्कुल जो कुछ कुछ बैलेंस है वो जीरो पे चला जाएगा और ये जो करप्ट हो जाएगा, जो मुल्क जो है ना हमारा बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा उसको, ठीक है ना? तो ये बेसिक चीज है। लास्ट टाइम इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जब उनकी हुकूमत थी तो उनसे पूछा गया कि चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, आप इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, क्या राय रखते हैं आप? उन्होंने बात गोल मटोल की, बात करता ही नहीं है, ना हमारे मीडिया में ये दिखाता कि चाइना में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हमारे हमने दोस्ती को चाटना, जब हमारी मुस्लिम उम्मा सेफ नहीं होगी किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क में, तो इसका इसका कदम क्यों नहीं उठाते लोग कि यार देखो कि अगर हमने किसी से कर्जा लेके ही इमदाद लेके ही गुजारा करना तो लानत है हमारे ऐसे गुजारा करने पर, लानत है तुम लोग पे, लानत। तो पाकिस्तानियों झूठ कम बोला करो और थोड़ा प्रोपेगेंडा कम फैलाया करो। ये बातें आपको कैसे पता चलती हैं? आपको कौन बताता है कि जी वो वहाँ पे गुलाम बन के रह रहे हैं? देखे आजकल हर इंसान के पास मोबाइल है, सोशल मीडिया पे हर खबर मिल जाती है इंसान को। आपको सोशल मीडिया पे ये खबर मिलती है कि उन्हें दबाया जाता है वहाँ पे? बिल्कुल दबाया जाता है, वो आवाज़ उठाते हैं इंडिया के लिए, इंडिया वाले उनके खिलाफ ही आवाज़ उठानी शुरू कर देते हैं, देख लो क्या हो रहा है मुल्क में। ठीक है, आप इस हवाले से कोई बात करना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो महफूज नहीं है या उन्हें बड़ा उन पर शायद कोई जुल्म हो रहा है, ऐसा कुछ आपको लगता है या आप क्या समझते हैं कि ऐसा नहीं है? जी, पहली बात ये कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को मैं हराजी तकसीम पेश करता हूँ कि जिन्होंने ये बात किया। ओ मेरे भाई, वो चेयरमैन नहीं है, तुम्हारे देश का फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है और तुमको ये नहीं पता वो क्या है। और दूसरी बात कि हमें हर इंसान को पता है कि जब पाकिस्तान, हम मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। जब मुस्लिम यहाँ पे आकर राज करेंगे ना तो उनकी एक ज़िंदगी को एक अपना ही होगा, मज़ा आएगा। वहाँ पे जुल्म होते हैं 100% होते हैं। चल झूठा, वो कैसे होते हैं आप कहते हैं कैसे बता? हाँ, कैसे होते हैं मुझे, आप हर बंदा यहाँ पे मीडिया के थ्रू शायद बताया जाता है जी बड़े जुल्म बड़े, मुझे बताएं क्या जुल्म हो रहे हैं, ये लोगों को पता चले क्या? मुझे तो नहीं पता चला। यही बता रहा हूँ कि एक जंगल में चला जाता है ना परिंदा भी, अगर उसको रास्ते में भटक जाता है तो वो भी कहता है जब मैं अपने देश में जाऊँगा तो मुझे वहाँ भी मजा आएगा। वो उनका देश है, आप उनका देश है, लेकिन वो वहाँ पे उनके साथ वो सलूक किया नहीं जाता, वो अपनी आवाज़ दबाने के लिए वो कहते हैं इनको दफना दो, ख़त्म कर दो, लेकिन वो उनके साथ जुल्म, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं। मीडिया का इसके लिए, मीडिया को लिए बहुत है, मीडिया को भी हराजे तक सेम पेश करते हैं क्योंकि वो हमें वो चीज़ बताते हैं जो छुपी होती है, कैमरे के पीछे वो चीज़ दिखाते हैं। आपको नहीं लगता कि वो चीज़ दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं? यार एक आम सी बात है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वो आपको लगता है सेफ है? सर बिल्कुल सेफ। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। वे हम मुस्लिम हैं लेकिन जो हमारे जैसे दिल है ना ऐसे इंडिया वाले के हो रहे हैं तो ये नौबत ही ना आए। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के अगर आप कह रहे हैं हिंदू सेव हैं तो मीडिया पे ये दिखाया जाता है, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ, ये दिखाते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम हिंदू बहुत कम हो रहे हैं, उन पे जुल्म किया जा रहा है। सिंध वाली साइड पे देखा जाए वहाँ पे फोर्स मैरिज करवाई जा रही है लड़कियों से, और काफ़ी हद तक इस बात में सदाकत भी है, ये तो हमारा मीडिया भी कहता है। ऐसे ही हमें मीडिया पे नहीं ना सिर्फ रहना चाहिए, हमें जो है इंटरनेशनल न्यूज़ को पढ़ना चाहिए। आप खुद सोचो वो वहाँ पे जुल्म अगर कर रहे हो तो वहाँ के मुसलमानों की आबादी दिन ब दिन यार बढ़े क्यों, क्या समझ आप किधर बताएं? अगर जुल्म हो रहा है आपकी बात के मैं आपको समझाने के लिए जुल्म हो रहा है तो फिर इतनी आबादी उनकी क्यों बढ़ रही है? आपको पता है जितने मुसलमान इधर हैं शायद उतने ही उधर हैं, शायद उससे ज्यादा हो। आप तारीफ तो इंडिया वालों की कर रहे हैं लेकिन वो तारीफ नहीं, अच्छा आप बुराई कर दें, मैं तारीफ कर रहा हूँ ना, बुराई करें लेकिन किसी लॉजिक के साथ करें। वो भाईजान कहते हैं कि मुसलमान जो है ना उनके ऊपर एक ना कानून बना दिया जाए कि वो दो बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, अब बच्चे तो अल्लाह ताला की देन होती है। ये इंडिया में कानून है, इंडिया में कानून, वो कहते हैं कि ऐसा कानून बना दो कि इंडिया में दो बच्चे से ज्यादा मुसलमान पैदा नहीं होना चाहिए। मैंने इस कानून के बारे में नहीं सुना, आपने कभी सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। भाई अगर इतना ही प्रेम है अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों पे आ रहा है तो अपने हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए दरवाजे तो खोलो, बोलो तो सही एक बार कि हमारे पाकिस्तान में आ जाओ अगर आपको तकलीफ है तो, एक भी नहीं जाएगा, एक भी भूखे नंगो खाने को तुम्हारे पास कुछ है नहीं, एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं कि भाई आटा नहीं मिल रहा, अब आटा तो कम से कम मिलना चाहिए ना, जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी भला, नहीं नहीं भिखारी नहीं, भिखारी नहीं। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में जो भी थॉट विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको शांतिपूर्वक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि आपके विचारों से पूरी दुनिया अवगत हो, और एक विनती इतनी सी है कि पाकिस्तान को जूता मारते हुए लिखना ताकि पढ़ने वाले को आनंद आए। ओके भाई, आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।